हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? पढ़ाई करते रहो, वीडियो देखते रहो। लेकिन देखो, आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। अभी देखो, कल हमने कुछ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम जो बोलते हैं तो हमारे अभी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय वाइब्रेशन। तो हमारे बॉडी में या गले में ऐसा क्या है कि जो वाइब्रेट होता है और हम बोल सकते हैं? तो चलो, इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक केयरफुली देखना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन दैट इज साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। तो क्या होता है जब हम बात करते हैं? आइदर स्पीक अ लिटिल लाउडली और सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब जब हम छोटे साउंड में, मतलब कम आवाज में बात कर रहे हैं या जोर से बात कर रहे हैं या कुछ गाना भी गा रहे हैं, या प्रोड्यूसिंग इन द ह्यूमिंग साउंड लाइक अभी, मतलब धीरे से हनी बीज का भी आवाज निकल रहा है, तब क्या करना है? पुट योर फिंगर ऑन योर थ्रोट, मतलब यहाँ हमारा क्या करना है, हाथ रखना है। तो ये करके देखना। ओके, तो क्या होता है, डू यू फील सम वाइब्रेशन? अगर हमने बात करते समय यहाँ हाथ रखा ना गले के ऊपर, तो कुछ वाइब्रेट होते रहे, ऐसे फील होगा अपने हाथ को। तो क्या होता है देखो, अभी इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस इन लैरिंग्स। अभी लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है हमारी, उसको हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो चलो, दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट विथ नॉस्ट्रिल्स। अभी नॉस्ट्रिल्स क्या है? तो नोज में जो दो ओपनिंग्स होती है ना, उसको नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है। दैट मींस अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम नोज। ओके, अभी उसके बाद जो दिख रहा है ना यहाँ, दिस वन इज फेरिंग्स, ए फेरिंग्स है। उसके बाद आती है लैरिंग्स, और यहाँ ही क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, उसके बाद हम इसकी स्टडी भी करेंगे। उसके बाद जो आता है, दिस वन इज ट्रकिया। ओके, और ये दो लंग्स है। ओके, मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, दिस आर लंग्स। ओके, अभी ये जो है ना, अगर हमने ये पार्ट यहाँ दिखाया, तो दिस आर द दिस वन इज लैरिंज। ओके, एक ही लैरिंज होता है, और दिस वन इज ट्रकिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। अभी क्या होता है, वाइल सलोइंग द फूड, जब हम खाना खाते हैं, ओके, या कुछ हम ड्रिंक करेंगे, वी कैन फील विथ अवर फिंगर हार्ट लम दैट सेम टू मूव, मतलब ऐसे खाना खाएंगे ना तो ऐसे ये छोटा सा ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर कुछ तो भी ऐसे जा रहा है, ऐसे हम फील कर सकते हैं। ओके, तो देखो ये लैरिंग्स के ऊपर होता है। अभी ये देखो, हम जब खाना खाते हैं ना, तो हमारा खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है, आगे है। तो यहाँ क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो यहाँ जैसे देखो, ये जो फूड है ये इसोफेगस में चला जाएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्यों नहीं जाता? तो यहाँ एक ढक्कन जैसे, जिसको फ्लैप बोलते हैं, उसका नाम है इपिग्लॉटिस। तो ये इपिग्लॉटिस क्या करता है, दैट क्लोज द एयर ट्रैक ड्यूरिंग स्वॉलिंग, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो ये जो है ना, ऐसा ढक्कन बंद हो जाता है, और इसी वजह से क्या होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर नहीं जाता, तो ये इसोफेगस में ऐसे चले जाता है। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द लैरिंग्स, मतलब ये लैरिंग्स के ऊपर होता है ऐसे। देन अभी क्या होता है देखो, ये पूरी सिस्टम है, और यहाँ हमने जिसका पार्ट हमें चाहिए, जैसे लैरिंग चाहिए ना, इसकी हमें स्टडी करना है, क्योंकि इसी पार्ट जो है ना, यही पार्ट जो है ना, इसी से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे दिस वन इज लैरिंग्स। तो क्या होता है, लैरिंग्स ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। अभी व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, बिकॉज इट कंटेन वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड से ही क्या होता है, वॉइस फॉर्म होता है, और इसीलिए लैरिंग्स कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। ओके, तो क्या होता है, तो देखो वॉइस बॉक्स से के नीचे का है ट्रकिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप ना, तो लैरिंग्स इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। देखो लैरिंग्स कहाँ है, विंड पाइप के ऊपर है ना। ओके, तो टू वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, मतलब क्या, देखो दिस वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो दिस इज वोकल कॉर्ड, तो वोकल कॉर्ड देखो ऐसे दिखेगा। तो क्या होता है, अभी वोकल कॉर्ड में क्या वाइब्रेट होता है, तो ये देखो वोकल ये होता है ना वॉक्स, उसमें वोकल कॉर्ड होता है वॉइस बॉक्स में, और वही क्या होता है, वहां की जो मसल है ना,
वहाँ जो वोकल कॉर्ड होता है ना, वाइब्रेट होता है, मतलब टू वोकल कॉर्ड, देखो ये क्या है और ये किधर दिख रहा है तुम लोगों को, दिस गेट स्ट्रेच, अभी उसको स्ट्रेच होता है वो, ओके okay? तो अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स में ये सब होता है, एंड इट लीव्स, अगर देखो ये स्ट्रेच किया गया ना, तो एक छोटी सी यहाँ क्रैक फॉर्म हो जाती है, स्लिट फॉर्म हो जाती है, गैप फॉर्म हो जाती है, एंड इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम, देखो यहाँ छोटी सी क्रैक क्या होगी, गैप फॉर्म हो गई ये स्ट्रेच होने के बाद, ओके okay? एंड फॉर द पैसेज ऑफ एयर, अभी एयर क्या होगी उसमें से जाएगी, अब एयर कैसे निकलेगी, जब हम एग्जाल करेंगे, मतलब हमने सांस ली और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं ना, तो जो एयर है वो गैप से क्या होगी, बाहर आएगी, ओके okay? और ऊपर जो दिख रहा है ना ये एपिग्लॉटिस का, एपिग्लॉटिस, ओके okay? व्हेन द लंग्स फोर्स द एयर थ्रू द स्लिट, मतलब जब देखो हमने इनहाल किया, अब जब एग्जाल कर रहे हैं ना, तो लंग्स से क्या होगा, एयर बाहर निकलेगी फोर्सफुली, तो क्या होता है, तो ये जो स्लिट होती है ना, तो वोकल कॉर्ड गेट वाइब्रेट, क्योंकि एयर उसके ऊपर आ गई तो उसका क्या हो जाता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके okay, देखो ऐसे वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया, कब, जब एयर थ्रू लंग्स, लंग्स से एयर बाहर निकलेगी तब, और हमें मालूम है अभी वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ओके okay? आप हम बोल कैसे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अवर जॉज, लिप्स एंड टंग, ओके, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अभी तब क्या होता है, एंड इन दिस वे प्रोड्यूस द साउंड, मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड, अभी ये जो वोकल कॉर्ड है ना उसके ये यहाँ क्या होता है, मसल अटैच होता है, और मसल का काम काम क्या होता है, कहीं भी हमारे बॉडी में कहीं भी मसल है तो मसल का काम होता है गिव मूवमेंट, मतलब हमारे बॉडी में, मतलब हम हाथ हिला सकते हैं, पाव हिला सकते हैं, हम चल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहां क्या है, मसल है, वैसे ही हमारे वोकल कॉर्ड में भी क्या होती है, इसे मसल होती है, एंड कैन द कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज, मतलब ये क्या करती है, मूवमेंट देती है वोकल कॉर्ड को, मतलब ये टाइट भी करती है और लूज भी करती है, वो तो देखो यहाँ मैंने दो पोजीशन दिखाई गई है, ओके, एंड व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन, टाइप्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वॉइस इज डिफरेंट, मतलब वो टाइट भी हो सकता है, वो लूज भी हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट के साउंड क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। अभी ये एक्ट कैसे करता है, तो हमें छोटी सी एक्टिविटी करना है, ये तुम लोग घर पे भी कर सकते हो, तो कैसे, हमें क्या चाहिए उसके लिए, जो रबर स्ट्रिप चाहिए, कहाँ से लेना है, आउट ऑफ द अनयूज बाइसिकल ट्यूब, बाइसिकल का अगर खराब हो गया ट्यूब है ना, उसके छोटे छोटे दो स्ट्रिप हमें निकालना है, ओके okay? उसके बाद प्लेस दिस टू पीसेस ऑन वन अबाउ, एक के ऊपर एक रखना है, छोटे से पीस लेना है, ओके okay? और उसको क्या करना है, अभी स्ट्रेच करना है, टाइटली स्ट्रेच करना है, देखो रबर के तो स्ट्रेच हो जाएंगे, अभी उसमें से क्या करना है, नाउ ब्लो द एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम, अब उस दोनों के बीच में जो गैप है ना उसमें से एयर ब्लो करना है, अभी एयर ब्लो करने के कारण क्या होगी, वो एयर क्या होगी, वहां वाइब्रेट हो जाएगी और वहां से साउंड प्रोड्यूस होगा, ऐसे ही हमारे वोकल कॉर्ड मतलब वॉइस बॉक्स में, लैरिंग्स में होता है, एंड ह्यूमन लैरिंग्स वर्क इन सिमिलर वे, ऐसा ही हमारे, याद देखो ये जो लैरिंग्स है ना, जिसको हम वॉइस बॉक्स जहाँ वोकल कॉर्ड होता है, ऐसे सेम प्रोसेस वहाँ होती है, एंड उसके नीचे देखो ये ट्रकिया और पीछे वाला जो है ना इसोफेगस, मतलब हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आगे होती है और पीछे उसके पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। अभी पिछले वीडियो में मैंने बोला था, आप लोगों को बताया था कि मेल की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है फीमेल से, ओके okay? तो ये लेंथ के ऊपर डिपेंड है ना, तो देखो वोकल कॉर्ड ऑफ 20 मिलीमीटर लेंथ इन मेल, मेल का जो वोकल कॉर्ड की जो साइज होती है ना वो कितनी होती है, 20 मिलीमीटर, तो और फीमेल की कितनी होती है, 15 मिलीमीटर, तो है ना लेंथ कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ओके okay? तो ये जो मेजरमेंट है, वैल्यू है, ख्याल में रखना कि मेल की वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है फीमेल से हमेशा ज्यादा होती है, एंड इवन स्मॉलर इन चिल्ड्रन में कम होती है, और उसी वजह से वॉइस ऑफ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन सारे डिफरेंट 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 साउंड, मतलब फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग रहेगी, साउंड भी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ओके okay? एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर। देखो आज हम पिछले वीडियो में हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, आज के वीडियो में हमने
ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड जो साउंड है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो देखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाउड स्पीकर में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वहाँ क्या वाइब्रेट होता है, तो हम इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।